हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। आज मैं एक फिर से नया चैप्टर लेके आया हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये आर एस अग्रवाल का नेक्स्ट चैप्टर है। धीरे धीरे हम और भी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और ये बुक जो है आर एस अग्रवाल, बहुत ही अच्छी बुक है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जो अभी अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बुक खरीद लें और मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, तो आप उसमें से देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है हर एक चैप्टर में से। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब मैं नया चैप्टर लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को बार बार समझिए मैं किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी के देरी के। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको 5-6 फॉर्मूले हैं, मैं वो बता देता हूँ। ओके, सो बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला तो सब जानते ही हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। टाइम का भी फॉर्मूला सब जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी नया क्या है, नया नया बस ये तीन आया है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में अगर स्पीड आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्पीड आपका सेम रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, d1 by d2। ये d1 क्या है, डिस्टेंस वन पहला डिस्टेंस, बाय टाइम जो पहला टाइम होगा इक्वल टू डिस्टेंस दूसरा जो डिस्टेंस होगा बाय दूसरा जो टाइम होगा, d2 by t2। ओके, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब आपका डिस्टेंस सेम होगा तब फॉर्मूला क्या होगा, s1 into t1 इक्वल टू s2 into t2। ये s1 मतलब स्पीड और t1 मतलब टाइम। ओके, और जब आपका बोलेगा टाइम इज कांस्टेंट, मतलब टाइम आपका सेम रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, d1 by s1 इक्वल टू d2 by s2। ओके, तो ये 6 बेसिक से फॉर्मूले हैं। चलिए नेक्स्ट आपको चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। तो बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ, मतलब ये जो लॉन्ग जो बोल रहा है ना, वही मतलब लेंथ है। ठीक है, लेंथ मतलब डिस्टेंस। ठीक है, जितना मतलब लेंथ होगा ट्रेन का या किसी भी चीज़ का लेंथ दिया होगा, मान लो ट्रेन का लेंथ है या ब्रिज का लेंथ है, किसी का भी लेंथ है या प्लेटफॉर्म का लेंथ है, तो वो आपका डिस्टेंस ही माना जाएगा। ओके, तो ये जो ट्रेन ट्रेन का जो लेंथ दिया है, इसी को हम डिस्टेंस पकड़ेंगे। और वो टाइम क्या बोल रहा है, बोला 10 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है एक मैन को जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो बोल रहा है कि ट्रेन का स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें लेंथ जो दिया है, मतलब डिस्टेंस जो मीटर में दिया है, और टाइम जो सेकंड में दिया है, तो हमको जो स्पीड आएगा वो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने नहीं बोला है, जब बोलेगा तभी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो गाइस स्पीड मांगा है, ठीक है, तो हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमारा डिस्टेंस क्या है, जो लॉन्ग मतलब लेंथ है, जो ट्रेन का लेंथ है, वही डिस्टेंस होगा। ओके, तो लेंथ कितना है 120 मीटर, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 12 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर में दिया है कि नहीं ये। सो गाइस ऑप्शन में भी 12 मीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 6 सेकेंड। बोला एक ट्रेन है जो कि 120 मीटर लॉन्ग है, जो कि एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकेंड में पास करती है। बोल रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब फिर से स्पीड पूछा है ट्रेन का। लेकिन देखो गाइस इधर पे जो लेंथ दिया है वो मीटर में दिया है, और टाइम जो दिया है सेकंड में दिया है, मतलब डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में। लेकिन हमको आंसर लाना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे देखते हैं। तो गाइस फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, सॉरी स्पीड पूछा है। ठीक है, तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमारा डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हमारा था 132, ठीक है, मीटर, और टाइम कितना था 6। ठीक है,
अभी अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये हमारा कटता है कितनी बार में, 22, यानी कि 22 ये मीटर पर सेकंड आया। पर हमको आंसर किस में लाना है, किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो 22 को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। अगर जब हम किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करते हैं तो इसके साथ इंटू हम लोग 18/5 करेंगे, ओके। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। गाइज मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, अगर आप करोगे तो आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो मुझे कई प्रैक्टिस कर करके याद हो गया है, तो आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं किया नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, तो आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखिए ये दिया है कि नहीं। सो ऑप्शन में दिया हुआ है 79.2 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। बोला एक ट्रेन है 210 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जो कि 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ सिग्नल पोस्ट, बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा जो सिग्नल पोस्ट है उसको पास करने के लिए, ओके। तो बोल रहा है टाइम, इधर पे टाइम पूछा है, ठीक है, ट्रेन का डिस्टेंस दे दिया है और स्पीड भी दे दिया है, हमको अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो बस इसको क्या करना है, टाइम के फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको किस तरह करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, डिस्टेंस हमारा दिया है 210 मीटर, और हमारा स्पीड भी दे दिया है, स्पीड दे दिया है 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी टाइम पूछा है इसको, बस टाइम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा था 210 सॉरी, और स्पीड कितना था 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट गाइस अभी देखो, अभी आंसर हमको लाना है किसमें, सेकंड में लाना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी तो हमारा ये मीटर में तो दिया है, लेकिन ये जो हमारा स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए अगर हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 210/63 × 5 × 18, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 1 = 5, 4 = 20, 2 = 42, ठीक है। और इसको 6 से काटते हैं, 6 सॉरी, इसको 7 से काटते हैं, 7 9 जा और 7 6 जा। अब इसको काटते हैं, 9 1 जा, ये 9 2 जा, तो क्या हो जाए, 6 × 12, तो 6 × 2 आया, तो ये आएगा 12, ठीक है। तो 12 सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन में देखते हैं 12 सेकेंड दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में हमारा 12 सेकेंड दिया हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 30 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बोल रहा है एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, 30 सेकेंड में वो एक पोल को क्रॉस करता है। तो बोल रहा है ट्रेन का क्या है, लेंथ कितना, मीन्स डिस्टेंस कितना, ओके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सो गाइज हमारा स्पीड दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे दिया है 30 सेकेंड, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो हमारा स्पीड कितना है, हमारा स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बट हमको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि जो डिस्टेंस आएगा मीटर में निकालना है, तो हमको स्पीड जो है वो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 × 5/18, ओके। और हमारा दे दिया था टाइम कितना, 30 सेकेंड दे ही दिया था, ठीक है। तो अभी इसको देखो काटते हैं, ठीक है, इसको 6 से काटते हैं, 6 3 जा 6 5 जा, इसको काटते हैं, 3 1 जा, ये 20 जा, ठीक है। अभी जो बच गया नीचे लिख दो, 20 × 5 × 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 25 × 20 100,000, ओके। तो ये आएगा 1000 मीटर।
तो ऑप्शन में देखते हैं 1000 मीटर दिया है कि नहीं दिया। तो गाइज ऑप्शन में 1000 मीटर दिया, तो हमारा लेंथ कितना आएगा 1000 मीटर। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज वन हंड सॉरी द स्पीड ऑफ ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज 50 किलोमीटर पर आवर। बोला एक ट्रेन है जो कि 150 मीटर लॉन्ग है, उसका स्पीड जो है 150 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 60 मीटर लॉन्ग। तो बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि 600 मीटर लॉन्ग है उसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। अच्छा गाइस इधर जो गिवन है मैंने लिख दिया है डिस्टेंस, ठीक है, ये जो 150 है वो ट्रेन का लेंथ है और 600 जो है वो प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि जो एक ट्रेन है वो मतलब उसका खुद का लेंथ और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा वो दोनों मिला के टोटल डिस्टेंस होगा। ओके स्पीड जो है वो दे दिया है, अभी हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला में बस इसको पुट कर देंगे। ठीक है टाइम का फॉर्मूला हो क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है अभी डिस्टेंस कितना है हमारा 150 प्लस 600, ठीक है, बाई 50 किलोमीटर पर आवर। देखो ये गाइस 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको फिर से अगेन इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 5/18 करते हैं। ओके तो इसको करें, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 750, ठीक है, बाई 50 × 5 और ये 18 ऊपर चला गया। ओके इसको काट देते हैं, 15 जा इसको काटेंगे 3 जा, तो 3 × 18 करने से हमारा कितना आता है 3 × 18 54 सेकेंड। ओके चलो ऑप्शन में देखते हैं 54 सेकेंड दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 54 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 171 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 229 मीटर लॉन्ग। तो बोल रहा है कि एक जो ट्रेन है वो 171 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, एक ब्रिज को वो 229 मीटर लॉन्ग को लॉन्ग है उसको कितने टाइम में क्रॉस करती है। बोल रहा है अगर इफ़ इट इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, बोल रहा है अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगा तो उस ब्रिज को जो कि ब्रिज का जो लेंथ है, ठीक है, 229 मीटर, उसको कितने टाइम पे क्रॉस करेगा। मतलब सिंपली इधर पे टाइम निकालना है कितने मिनट में वो उसको क्रॉस करता है, कितने सेकंड में उसको क्रॉस करता है ब्रिज को। ओके चलो सेम क्वेश्चन है 5 की तरह, चलो देखते हैं इसको किस तरह करते हैं। तो गाइस जो गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस मैंने लिख दिया है 171 जो कि ट्रेन का लेंथ है और ब्रिज का लेंथ जो है 229 मीटर, ठीक है, लॉन्ग है। ठीक है तो ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों को मिला के होगा और स्पीड दे दिया 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। ठीक है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा 171 प्लस 229 बाय 45। ठीक है देखो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू 5/18 करेंगे। ठीक है तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना 110 10 0 1 3 4। ओके तो इन दोनों को प्लस करके 400 आता है बाय 45 × 5 और ये जो 18 है ऊपर चला जाएगा इंटू 18। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है 9 2 जा 9 5 जा 5 1 जा ये 80 जा 5 1 जा ये 1 जा 18 3 जा 6 16। ओके तो 16 × 2 करने से कितना आता है 2 1 32 32 सेकेंड। चलो ऑप्शन में देखते हैं 32 सेकेंड दिया है कि नहीं। सो गाइज ऑप्शन में 32 सेकेंड दिया है, तो हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है एक ट्रेन है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म है 16 मीटर उसको वो क्रॉस करता है, ठीक है, इन 30 सेकेंड। तो बोला है लेंथ कितना होगा ट्रेन का। ओके तो गाइज हमको निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। ठीक है ओके चलो देखते हैं इसको किस तरह करते हैं। तो गाइज जो गिवन है मैंने लिख दिया, स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा क्या था, ट्रेन प्लस जो दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का
ठीक है, लेंथ। तो ट्रेन का लेंथ हमको फाइंड करना है, तो हमने एक्स लिखा प्लस 600। ओके, क्योंकि डिस्टेंस हम दोनों को निकाल के ही करेंगे, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो चाहे वो ब्रिज हो। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा ट्रेन और ब्रिज कोई भी दिया रहेगा, तो उसको जोड़ के हमारा टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। तो इधर ट्रेन का डिस्टेंस नहीं दिया है, बट इधर दे दिया है प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। ठीक है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्स, उसको ट्रेन का डिस्टेंस को हम एक्स पकड़ेंगे, और जो प्लेटफॉर्म है वो प्लस 600। ओके, टाइम दे दिया है 30 सेकेंड। तो बस हम इसको क्या करेंगे, टाइम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा टाइम कितना था, हमारा टाइम था 30 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है, एक्स प्लस 600। ओके, बाय हमारा स्पीड कितना है, 30 सेकेंड। ओके, अभी हम लोग इसको करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस 600 इक्वल टू 900। ओके, अभी हम लोग 600 को उधर लेके जाते हैं, तो 900 माइनस 600 करेंगे तो इक्वल टू हमारा आएगा 300 मीटर। तो हमारा लेंथ का कितना आया, 300 मीटर। ओके, चलो ऑप्शन में देखते हैं 300 मीटर दिया है कि नहीं। तो गाइज, ऑप्शन में 300 मीटर दिया है, तो हमारा यही आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ 130 मीटर लॉन्ग टर्न क्रॉसेस अ ब्रिज इन 30 सेकेंड एट 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोला एक ट्रेन है वो 130 मीटर लॉन्ग है, जो कि एक ब्रिज को 30 सेकेंड में क्रॉस करती है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो बोल रहा है कि जिस ब्रिज को वो 30 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो उसका लेंथ कितना है। सेम क्वेश्चन है गाइस 7 नंबर की तरह। ओके, चलो इसको करते हैं, किस तरह करते हैं। तो गाइस, जो गिवन है मैंने लिख दिया है, स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 30 सेकेंड, और डिस्टेंस दे दिया है 130। ठीक है, ये ट्रेन का है, और हमको निकालना है, फाइंड क्या करना है, ब्रिज का लेंथ हमको फाइंड करना है। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारा 130 प्लस एक्स होगा, क्योंकि ब्रिज का नहीं दिया, तो इसको हम लोग एक्स मानेंगे। तब करना क्या है, बस गाइज इसको बस क्या करना है, टाइम के फॉर्मूले में पुट कर देना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना था, टाइम हमारा 30 सेकेंड था, 30 लिख दिया। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है, 130 प्लस एक्स। ओके, और हमारा जो स्पीड दिया है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज, ये 45 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको मैंने बताया 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 5/18। ओके, नेक्स्ट लाइन में ये 18 ऊपर चला जाएगा, और 30 इक्वल टू 130 प्लस एक्स बाई 45 इंटू 5। ठीक है, इंटू 18। ओके, तो गाइज इसको मैं यहीं पे क्या करता हूँ, काट के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसको 9 2 से काटता हूँ, इसको 9 5 से काटता हूँ। ओके, इसको मैं यहीं से काटता हूँ, 2 1 जा, इसको 15 जा। ओके, अभी 130 प्लस एक्स इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 इंटू 5 5 जो 25 25। ओके, 130 प्लस एक्स इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से आता है 375। ओके, अभी हम लोग 130 को उधर लेके जाएंगे, एक्स इक्वल टू 375 माइनस 130, इसको माइनस करते हैं, तो हमारा आता है कितना, 245 मीटर। ओके, चलो ऑप्शन में देखते हैं 245 मीटर दिया है कि नहीं। ओके, तो गाइज ऑप्शन में हमारा 245 मीटर दिया है, तो हमारा जो ब्रिज का जो लेंथ होगा वो इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 सेकेंड। बोल रहा है एक ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग, जो कि एक ब्रिज है, ठीक है, उसका लेंथ 100 मीटर है, उसको 6 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, मतलब ब्रिज को वो 6 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। द ट्रेन विल क्रॉस अनदर ब्रिज, एक और ब्रिज है, ठीक है, उसको जो कि 200 मीटर का लेंथ है, तो बोल रहा है कि उसको कितने मिनट में वो क्रॉस करेगा। तो मतलब टाइम पूछा है, मतलब सेकंड जो ब्रिज है, ये वाला ब्रिज है, उसको कितने टाइम पे क्रॉस करेगा। ठीक है, चलो ये करते हैं, किस तरह करेंगे, इजी क्वेश्चन है गाइज बहुत। गाइज, जो पहले वाला जो ट्रेन का जो गिवन जो दिया है मैंने लिख लिया है, टाइम दिया है 6 सेकेंड,
और डिस्टेंस जो दिया है 100 प्लस 100, मतलब पहले वाला मतलब ट्रेन का डिस्टेंस प्लस जो ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो 100, ठीक है। और जो ब्रिज का जो पहले वाले ब्रिज का जो क्रॉस कर रहा है उसका मतलब ट्रेन का स्पीड नहीं दिया है, तो जब तक हमको ट्रेन का स्पीड नहीं मिलेगा तो हम दूसरा जो ब्रिज जो क्रॉस कर रहा है उसको भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले वाले से हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला जो ब्रिज 100 मीटर वाला उससे हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेन का स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्पीड के फॉर्मूले में इसको गाइस पुट कर देते हैं, तो आपको स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही होगा, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कितना है 100 प्लस 100, 200, ठीक है। टाइम हमारा कितना है 6, ठीक है। तो गाइज इसको हम लोग काटते हैं, काट के हमारा 100/3 आएगा। तो गाइज इसको आगे इसको और छोटा नहीं करेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो गाइज हमारा स्पीड निकल गया 100/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको और छोटा नहीं करेंगे। अभी क्या है, हमको दूसरा जो डिस्टेंस है मतलब दूसरा जो ब्रिज है उसका लेंथ दिया है 200, ठीक है। तो टाइम पूछा है, दूसरा ब्रिज निकालने का टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ले हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, पहले वाला ट्रेन का कितना है 100 प्लस, और ये जो दूसरा जो ब्रिज है उसको कितना है 200, ठीक है, इसको इसमें डालेंगे। और स्पीड हमारा कितना निकला 100/3, तो 100/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 200 300, ठीक है, बाई 100, ठीक है। ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा इंटू 3, ठीक है, इसको काटो, 0 0 कट गया। अभी क्या रहेगा, 3 इंटू 3 9, सो 9 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, सेकेंड जो ब्रिज है 200 मीटर उसको क्रॉस कर रहा है। ओके, चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। गाइज ऑप्शन में 9 सेकेंड दिया हुआ है, ओके, तो हमारा यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर की तरफ। तो गाइज क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड क्रॉसेस अ 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड एंड अनदर 141 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि गाइज एक ट्रेन है वो अपने कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, जिस जो कि 96 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को वो 12 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, और एक और प्लेटफॉर्म है वो 141 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है उसको 15 मिनट में क्रॉस कर रहा है, ओके। तो गाइज तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो गाइज क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो दोनों ट्रेन का, ठीक है, टाइम है उसको माइनस करेंगे। तो दोनों ट्रेन का जो टाइम है उसको माइनस करते हैं, 50 माइनस 12, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेन का स्पीड मतलब टाइम है, और दोनों ट्रेन का जो लेंथ है, ठीक है, उसको भी माइनस करते हैं, 141 माइनस 96 मीटर, ठीक है, माइनस करेंगे तो इधर से आएगा कितना, 3 सेकेंड, ओके, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 45 मीटर, ठीक है। अभी 3 सेकेंड में 45 मीटर है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में होगा 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 15, ठीक है, ये आएगा हमारा ये 15 आया हमारा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अभी 15 को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 18/5 करते हैं, ठीक है, इसको काटो 1 जा, इसको काटो 3 जा, 3 इंटू 18 कितना आता है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो गाइस ये आ गया हमारा कितना, 54 किलोमीटर पर आवर आ गया, 1 सेकेंड में स्पीड कितना है, 1 सेकेंड में 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हमने क्या किया, 1 सेकेंड को 15 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, अभी 15 मीटर पर सेकेंड को क्या किया, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी गाइस देखो, अभी 15 सेकेंड में, ठीक है, 15 सेकेंड, ठीक है, जैसे अगर 1 सेकेंड में 15 सेकेंड हो रहा है, मीटर पर सेकेंड हो रहा है, तो 15 सेकेंड मतलब हम कोई भी एक ट्रेन का, ठीक है, से टाइम और लेंथ लेके चलेंगे, ठीक है, ये हमारा जो था बेसिक हमने निकाल लिया, ठीक है गाइस। अभी हम किसी एक भी ट्रेन को लेके, या तो आप इस वाले को लेकर चलो, या तो इस वाले को लेकर चलो, ठीक है, अगर 1 सेकेंड में 15 15 आ रहा है, तो 15 सेकेंड में कितना होगा, 15 इंटू 15
कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 225। ठीक है, तो गाइज ये हमारा 225 आया। तो गाइज हमारा ये 225 आया। ठीक है, अभी हम डिस्टेंस, अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हमने 15 सेकंड लिया था, अभी डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसी 15 सेकंड जो टाइम है जिस ट्रेन का, उसी ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे। तो 141 हमारा मीटर था। ठीक है, सॉरी गाइज, इसको क्या करेंगे 225 को माइनस करेंगे। ठीक है, 141 से। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का माइनस किया। ठीक है, माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 84। ठीक है, मीटर। तो गाइज ये आ गया हमारा डिस्टेंस, और स्पीड हमने निकाल लिया था। ठीक है, स्पीड हमने निकाल लिया था 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना आया 84 मीटर, और स्पीड हमारा कितना आया 54 किलोमीटर। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं दिया। तो गाइज ये 84 मीटर और 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है। सो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं 10 क्वेश्चन तक, बाकी के क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन कराने के हर एक चैप्टर में, तो मैं पार्ट वाइज लेके आता हूँ। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन नंबर लिख देना। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा उसको समझाने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ, मतलब आर एस अग्रवाल सॉल्व करा रहा हूँ, आप गाइज देखिएगा इंग्लिश वर्जन में कोई भी चैनल नहीं, कोई भी मतलब इस बुक से सॉल्व नहीं कराता, अपने क्वेश्चन वो लेके आता है। ठीक है, जो गाइज बिगिनर्स हैं, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं गाइज, उनके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, ताकि आपको देरी ना हो। गाइज मैं एक दो दिन में फिर से नया वीडियो अपलोड करूँगा, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए गाइज धन्यवाद।